हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। आज इस वीडियो में मैंने एक पुराना गाना लिया है एचडी बर्मन का, ओरे माझी मेरे साजन हैं उस पार, मैं मनमार हूँ इस पार। तो उसके जो कॉर्ड हैं वो मैंने अपनी तरफ से कुछ नए कॉर्ड डाले हैं, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि मैंने क्या क्या कॉर्ड्स किस किस लाइन में डाले हैं। ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा कि बाल की खाल निकालें कि इसमें इस पॉइंट पे क्यों निकाल ये कॉर्ड डाला है। इसमें खाली मैं आपको बताऊंगा इस लाइन में ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड है, ताकि आप उसको एक नए तरीके से बजा सकें और आप अपने सॉन्ग्स में भी इस तरीके से कॉर्ड चेंज कर सकें। कुछ कुछ मेन मेन पॉइंट्स मैं आपको कॉर्ड में बताऊँगा। तो इसको हम लोग शुरू करते हैं। ये सी स्केल में सॉन्ग है, मतलब मैंने सी स्केल में लिया है क्योंकि ये थोड़ा सा मुझे हाई पड़ रहा था, अभी भी हाई पड़ रहा है। आप मैं गाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। देखिए शुरू करते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़, इसमें जो मैंने रिदम ली है कॉर्ड्स की, वो रिदम मैंने ली है रेगे बीट। एक रेगे बीट होती है, स्टाइल है, जॉनर है, वो कुछ इस प्रकार है। क्योंकि मुझे लगा कि ये जो गाना है इसकी रिदम इस रेगे से बहुत मिलती है, तो मैंने थोड़ा फ्यूजन कर दिया। फॉर एग्जांपल, आपने एक हिंदी सॉन्ग सुना होगा एआर रहमान साहब का गाना, दिल है छोटा सा छोटी सी आशा। वो भी रेगे बीट पे है, और भी उनके कई सारे गाने, उन्होंने रेगे में बहुत एक्सपेरिमेंट किया है, तो ये भी मैंने रेगे में लिया है। तो कुछ स्टार्टिंग इसकी करते हैं। देखिए मैं आपको थोड़ा सा बीच बीच में हमिंग करके गाऊंगा क्योंकि आजकल गला वाला थोड़ा ऐसे ही चल रहा है, ठीक है। देखिए आप कॉर्ड्स देखेंगे। ओरे माझी, ओरे माझी, मेरे माझी, ये इसकी बिगिनिंग है। वोकल ऊपर जाता है गा पे। फिर कोमल नी का प्रयोग होता है। एक बार फिर करते हैं। ओरे माझी, ओरे माझी, मेरे माझी। तो इतने सेक्शन में मैंने देखा कि ये फर्स्ट जो है ये तो सी में ही आ रहा है, तो सी लगाया। फिर ओरे माझी, डी जी का कॉम्बिनेशन है तो ऑब्वियसली जी कॉर्ड आएगा। अभी एक टेक्निकल पॉइंट इसमें आता है, तारा रा रा रा, मेरे माझी। वहां पे थोड़ा सोचना पड़ता है क्या करें, क्या ये लगाएं सी मेजर सेवंथ, क्योंकि दोनों नहीं लग रहे, सा नी पा नी धा पा ऐसे लग रहा है। तो ये लगा के देखा, उतना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन ये ज्यादा बेटर लगा, तो मैंने यहां पे सी सेवंथ का यूज किया। राइट, तो मोस्टली लाइन जो है सी में है, बस एक जगह पे ओ मेरे माझी, यहां पे हमने सी सेवंथ लगाया। तो ये थोड़े मॉडर्न कॉर्ड्स हैं, सी सेवंथ, जी सेवंथ, ये सब लग रहा है। अभी आगे इसमें क्या होता है देखते हैं। मेरे साजन है उस पार, मैं मन मार हूँ इस पार, ओ मोरे माझी अब की बार, ले चल पार, ले चल पार। एक बार फिर से देखते हैं। मेरे साजन है उस पार, मैं मन मार इस पार, ओ मोरे माझी अब की बार, ले चल पा, ले चल पा। राइट, तो इसमें क्या किया मैंने, मेरे साजन गामा पा, जो कंपोजिशन है वो पा के पास घूम रही है, गामा पा पा पा, फिर से तीन बार वो पा पे हैं, जो मेन पार्ट है गाने का वोकल पार्ट। अब इसमें अगर हम सी रखते हैं तो थोड़ा सा सी 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 सेम हो जाएगा, तो वैरायटी लाने के लिए मैंने क्या किया,
कुछ ऐसे कॉर्ड ढूंढे जिसमें जी नोट तो है लेकिन वो कॉर्ड अलग है। तो मेरे साजन है उस पार मैं मन मार, ई माइनर कर दिया, ई माइनर में भी जी है, और कौन सा कॉर्ड है जिसमें जी है, हूँ इस पार, सी सेवंथ कर दिया, राइट, ये सी सेवंथ है, इस बी को मैंने यहां ले लिया। फिर आगे मैंने किया ओ मोरे माझी, ए माइनर, अब की बार, ए फ्लैट ऑगमेंटेड कॉर्ड। फिर ले चल पार, जी सेवंथ। तो इसमें एक चीज मैं मेंशन करना चाहूंगा कि क्यों ये प्रोग्रेशन मैंने लिया, क्योंकि इसमें जो बेस नोट है वो बहुत अच्छे तरीके से नीचे जाता है। अब ध्यान से देखिए, ये जो लास्ट नोट है इसका साउंड आप सुनिएगा, मैं इसको अलग से ऐसे बजाता हूँ, मेरे साजन है उस पार मैं मन मार, हूँ इस पार, ओ मोरे माझी अब की बार, ले चल पार, ले चल। तो कुछ इस टाइप का हमें क्रोमैटिक सीक्वेंस देखने को मिलता है। तो एक कॉर्ड्स के अंदर भी एक कनेक्शन हमें मिल जाता है, एक प्रोग्रेशन मिल जाता है कि एक के बाद एक कॉर्ड अच्छे से चेंज हो रहे हैं, तो उसके साथ ये बहुत अच्छा आता है। इसको एक बार फिर से गा के देखते हैं। मेरे साजन है उस पार मैं मन मार, हूँ इस पार, ओ मोरे माझी अब की बार, ले चल पार, ले चल पार, मेरे साजन है। अब यहां पे हल्का सा एक म्यूजिक आता है, मुझे याद है, तो वो उसमें मैंने क्या किया, सी लिया है, सा नी दा पा ऐसा कुछ है वो, तो उसमें सा पे तो मैंने सी लिया, सा, यहां पे मैंने एक कॉर्ड लिया उसको बोलेंगे सी नाइन्थ, सी उसमें सी सेवंथ और नाइन्थ दोनों मैं प्ले कर रहा हूं, ठीक है। तो लेकिन मैंने सी को छोड़ दिया, विदाउट सी नोट ये प्ले कर रहा हूं मैं, तो मेरे लिए ये सी सेवंथ और नाइन्थ, सी सेवंथ का ये नोट है और नाइन्थ का ये नोट है, सी हमने हटा दिया। इसी को एक दूसरे तरह कैसे देखा जाए तो इसी को ई माइनर सेवंथ फ्लैट फिफ्थ भी बोल सकते हैं, ई माइनर सेवंथ फ्लैट फिफ्थ, तो आप दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं, मुझे सी सेवंथ नाइन्थ ये अच्छा लगता है। अब इसका अंतरा आता है, तो पहले अंतरा गा के देखते हैं। मन की किताब से तू मेरा नाम ही मिटा देना, मन की किताब से तू मेरा नाम ही मिटा देना। सिंपल कॉर्ड है सी एफ जी सी, कुछ चेंज नहीं किया, ठीक है। सेकंड लाइन में जब सेम कंपोजिशन है, शब्द अलग है, गुण तो न था कोई भी अब गुण मेरे भुला देना, उसमें थोड़ा सा चेंज किया है जस्ट फॉर वेरिएशन, देखिए क्या किया है? मन की किताब से तू मेरा नाम ही मिटा देना, गुण तो न था कोई भी अब गुण मेरे भुला देना, क्या किया अब गुण मेरे भुला देना। पहले तो सिंपल कॉर्ड है, वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। सेकंड लाइन में कॉर्ड वो भी सिंपल है लेकिन वो डिफरेंट तरीके से यूज किया गया, जैसे सी डी माइनर ई माइनर एंड सी, तो न था कोई भी, ए नोट आया ना,
जहां पे हम पहले F लगा रहे थे वहीं हमने जस्ट फॉर वेरिएशन हमने D माइनर लगा दिया। अब गुण मेरे, यहां पे हम G लगा रहे थे पहले क्योंकि ये G के नोट्स हैं, वहीं हमने उसका सब्स्टिट्यूट कॉर्ड E माइनर लगा दिया। देना, बाकी फिर C ले लिया। गुण तो न था कोई भी, अब गुण मेरे भुला देना। और दूसरा ये जो कॉम्बिनेशन है पा 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 पा, ये एक अच्छी प्रोग्रेशन है, एक के बाद एक, जब सी डी माइनर ई माइनर, कभी कभी एफ जी भी आता है इसके अंदर, तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए, और यहाँ पे ये फिट हो गया। बेसिक आइडिया है कि उस जगह पे जब हम किसी पुराने गाने में नए कॉर्ड डाल रहे हैं और कोई खास प्रोग्रेशन जो ऑलरेडी बनी हुई है उसको आप उसमें फिट कर रहे हो, तो वो अच्छे से फिट होना चाहिए उसके अंदर, ऐसे नहीं कि जबरदस्ती नहीं लगा होना चाहिए, राइट। अब इसका अगला सेक्शन देखते हैं। मुझे आज की विदा का, मुझे आज की विदा का मर के भी रहता इंतजार, राइट। अब देखिए इसमें क्या करना है, मुझे आज की विदा का, इतने में ये जो वोकल है ये गा पे जा रहा है ऊपर, तो अगर हम यहां पे सी रखते हैं, स्टार्टिंग तो सी से ही हुई है लेकिन फिर मैंने चेंज कर दिया ए माइनर पे, राइट। अब देखिए ये हुआ सी सी, इसे इसमें कोई वैरायटी नहीं है, लेकिन ये मैंने ए माइनर लगाया तो इसमें एक थोड़ी वैरायटी आ जाती है। मुझे आज की विदा का, अब क्या होता है विदा का, वहां पे स्पेस है, खाली जगह है, तो खाली जगह में हमने कुछ डिफरेंट कॉर्ड डाल दिए, जैसे ऑगमेंटेड ए फ्लैट, और दूसरा वो जो सी, मुझे आज की विदा का, और ये कनेक्टेड भी आपस में क्योंकि ए ए फ्लैट जी ऐसे जा सकते हैं, स्पेस सी, वापस घर पे आता हुआ भी लगता है। फिर सेकंड में क्या किया, मुझे आज की विदा का मर के भी रहता, मर के भी रहता इंतजार। वो एक ऐसा पॉइंट पे कंपोजिशन खत्म हो रही है जो थोड़ा डिफरेंट सा पॉइंट है, मतलब इंतजार और ऐसा लग रहा है कुछ अनफिनिश्ड सा है, तो उसको एक अनफिनिश्ड यानी इनकम्प्लीट वाली फील देने के लिए उसको सी में नहीं लाए या जी में नहीं लेके गए, उसको एक अजीब से कॉर्ड में ले गए जो मैं अभी आपको बता रहा था, ई माइनर सेवंथ फ्लैट फिफ्थ। ये ई माइनर सेवंथ है, ये ई माइनर है, ये ई माइनर सेवंथ है, और इसके फिफ्थ को फ्लैट कर दिया तो ई माइनर सेवंथ फ्लैट फिफ्थ ये लगा दिया उसके अंदर, तो फिर ऐसा इफेक्ट आएगा। मुझे आज की विदा का मर के भी रहता इंतजार, मेरे साजन है इस पार, मैं मन मान हूँ इस पार, ओ मोरे माझी अब की बार ले चल पार, ले चल पार, मोरे साजन है उस पार। तो ये कॉर्ड्स इस गाने के अंदर मैंने यूज किए हैं, मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो में कॉर्ड्स को लिख भी दूं ताकि आप उसको देख देख के उसको, उससे आपको कुछ एडवांस कॉर्ड की नॉलेज आपको मिलेगी, आपको हेल्प मिलेगी अपनी म्यूज़िकल जर्नी में, और मैं अपनी बात भी आपके साथ शेयर कर पाऊँगा, राइट। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और क्या एक्सपेक्टेशन आपकी है आप, और क्या जो भी कुछ बोलना चाहते हैं, ताकि मुझे पता चले कि अगर कोई इस वीडियो को देख रहा है तो उसके मन में क्या भाव आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।